बच्चों की मांगे हैं, बात को सुधर जाए। बिल्कुल जी, मैं हमारे साथ में कुछ लीगल टीम के, बीएड लीगल टीम के नेता गए हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं कि किन बातों को लेकर क्या धरना है, क्या आपकी मांग है। हमारी मांग ये है कि हमारे क्षेत्र में बेचिए प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया जाए और 12 तारीख के साथ साथ आगे आगामी आने वाली सभी चुनावों में महागठबंधन की उपस्थिति की सरकार सुनिश्चित करें। आज हम पिछली बार आश्वासन दिया गया था लेकिन उस पर खड़े नहीं उतरे माननीय शिक्षा मंत्री जी। आज हमारी पूरी मांग है, मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंची, हम उनके उनसे निवेदन करेंगे कि महागठबंधन को भेजें, क्योंकि अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्तर का मामला नहीं रहेगा। अभी 11 बजे के आसपास मंत्री जी स्वयं यहाँ पहुँच रहे, आईसीआरसी में मीटिंग करने के सभी डीएसए सभी अधिकारी में मौजूद रहेंगे, क्या मांगे रहेंगी, क्या मुलाकात होगी। हमारी टीम की ये मांग है कि हमारा एक जो दस्ता है हम उनसे मुलाकात कर संभव मुलाकात कराई जाए और जिसमें सरकार के द्वारा निर्धारित जगह जो 90-97 लगाई गई उसके द्वारा लगातार 5-6 सुनवाई पर महाधिवक्ता महोदय न्यायालय में उपस्थित नहीं रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखकर के सरकार इसको सीरियसली ले और कल की होने वाली सुनवाई में महाधिवक्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करें, हमारी बस यही मांग है। आप बीए टीम की अगुवाई कर रहे हैं, क्या लेकर के आपकी क्या मांगे हैं मंत्री जी अभी थोड़ी। देखिए लगातार 6 सुनवाई से महाधिवक्ता जी कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, हमारा मानसिक शोषण हो रहा है, हम लोग इतना फीस नहीं दे सकते हैं वकीलों की, हर बार हम लोग कोर्ट से केवल डेट लेकर चले आ सकते हैं। पिछली बार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि अब की बार मंत्री जी आएंगे, लेकिन मंत्री जी नहीं आए। उन्होंने हम लोग जब 5 तारीख की डेट हुई हम लोग उनसे मिलने गए, उन्होंने कहा कि हम उनको केवल निर्देशित कर सकते हैं, आदेशित नहीं कर सकते। इतना बड़ा जो है मजमा है उनका, क्या हम बेसिक शिक्षा और राजधानी लखनऊ से अब बड़ी खबर है, जहां आज भर्ती न होने से परेशान सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के एससीईआरटी कार्यालय पर चल रहे इस धरने में बीएड बीटीसी पास कैंडिडेट शामिल हैं। 60-65% कट ऑफ को बचाने के लिए कहा जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। ये उम्मीदवार सरकार के रुख को लेकर परेशान है। जैसे बता दें आपको कि 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पिछले 8 महीने से अधर में लटकी है। पूरा मामला कोर्ट में है लेकिन सरकार के अटॉर्नी जनरल इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अब तक सिर्फ एक सुनवाई में ही अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए हैं और इसी को लेकर उम्मीदवार बेहद परेशान हैं। इससे पहले भी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर ये अभ्यर्थी उतर चुके हैं लेकिन अभी तक संज्ञान में पूरा मामला नहीं लिया गया है। सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना देखा जा सकता है, तस्वीरें आई हैं सामने, लखनऊ से सड़कों पर उतर आए हैं एक बार फिर से ये जो सहायक शिक्षक हैं, नाराज सरकार से, सरकार के रवैये से। और जानकारी इस पर ज्यादा ले लेते हैं, लखनऊ से लोमस जहां हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं सीधे। लोमस, इससे पहले भी सड़कों पर उतर चुके हैं ये जो शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, सहायक शिक्षक जो हैं, नाराजगी कई बार जाहिर कर चुके हैं लेकिन ऐसा क्यों कि ध्यान नहीं दिया जा रहा, सरकार का प्रशासन का जो रुख है वो इतना ढीला क्यों है इनके प्रति। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यहां पे अभ्यर्थी हैं जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपना हक के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द पूरा करें, कोर्ट में क्योंकि मामला है पूरा उसको लेकर के भी जल्द से जल्द इनके हक में फैसला दिया जाए। और लगातार ये परेशान चल रहे, लगभग 8 महीने से अधर में इनका फैसला। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा मामला। मामला ये है कि हमारी शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा हुई थी जनवरी में 6 तारीख को हुई थी और 8 महीने हो गए आज तक हम लोग अभी तक प्रताड़ित ही हो रहे हैं क्योंकि सिंगल बेंच में सरकार ने उचित तरीके से पैरवी नहीं की, वहां भी एजी साहब हमारे उपस्थित नहीं हुए और हमारी क्या हुआ वहां पे हमारी हार हुई। किंतु ये हुआ कि सिंगल बेंच को अधिकार नहीं है कोई भी निर्णय करने का या कोई नया डिसीजन बनाने का, तो मामला डबल बेंच में लेके सरकार भी गई और बीटीसी और बीएड के सभी अभ्यर्थी भी गए। और हमारी मांग यही है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने जो उन्होंने एक डिसीजन लिया 90-97 कटाफ उसको सेव करे, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि माननीय एजी साहब पिछली 6 बार जबकि 2 जजों की पीठ ने उनको 6 बार कॉल की लेकिन वो अभी तक सुनवाई में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पिछली जो हम लोग ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था उसमें आशा हुई, लोगों ने आश्वासन दिया कि एजी साहब उपस्थित होंगे लेकिन एजी साहब नहीं आए, वही प्रताड़ना आज फिर लेके हम यहाँ एकत्र हुए हैं। और हमारी एक ही उम्मीद है कि कल होने वाली 12 तारीख की सुनवाई में एजी साहब उपस्थित हों और शासन का पक्ष रखें जिससे हमारी ये प्रक्रिया गतिमान हो। अटॉर्नी जनरल को पेश होने की मांग है, यहाँ पे कुछ और अभ्यर्थी भी है बात करने के लिए, क्या क्या मांगे हैं आपकी। हमारी मांगे आज यहाँ पे मुख्य रूप से है माननीय मुख्यमंत्री से हमको हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलाया जाए क्योंकि हो सकता है माननीय
मंत्री जी द्वारा या अधिकारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री तक चीजें सही रूप से न पहुंचाई जा रहे हो। एक बार माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा आश्वासन हमको 27 तारीख को मिल चुका है, लेकिन वो जो 27 के बाद की तारीख थी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन, उस दिन हम लोग को पूरे 69,000 अभ्यर्थियों को उम्मीदें थी कि महाधिवक्ता महोदय पहुंच के जो सरकार ने कटऑफ लगाई उसकी मजबूत पैरवी करेंगे, लेकिन पूरी तरह से विफल रहा। हम लोग के सपने टूटे और आज हम लोग यहाँ से तभी हटेंगे जब हम लोग की समस्याएं माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे, और माननीय शिक्षा मंत्री का आज यहाँ कार्यक्रम भी हम उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। पूरे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री से उनको मिलने दिया जाए, वो अपना पक्ष रख सके। हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी हैं बात करने के लिए, क्योंकि कल आपके केस की सुनवाई भी है, क्या मांगे हैं? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जो ये मानसिक प्रताड़ना हम लोग 9 महीने से झेल रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक सब यहाँ शिक्षक बनने आए हैं, सब सोच रहे थे कि आसानी से जो परीक्षा हुई है उसका क्या कहते हैं ये लोग आराम से उसका हला भला कर देंगे, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि सभी अभ्यर्थियों को, महिलाओं को और हमारे जो साथी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हर जिले से पूरे प्रदेश की कोई ऐसा जिला नहीं है, सबको दूर से अपना घर परिवार छोड़ के बिना खाए पिए सुबह से रात से सभी जिलों से यहाँ पे उपस्थित होना पड़ा है। तो जो ये सरकार और शासन द्वारा जो कटाफ लगाया गया है, जिसको उत्तीर्णांक कटाव तो उचित कहना उचित नहीं है, ये उत्तीर्णांक है जो 90-97 लगाया गया है, तो शासन से और मुख्यमंत्री महोदय से यही अनुरोध है कि योग्यता के साथ कोई खिलवाड़ न किया जाए और 90-97 की उचित और मजबूती से पैरवी हो। महाधिवक्ता महोदय और अभ्यर्थी उनसे भी जानने की कोशिश, आपको मालूम चला किस लिए इतनी देर हुई प्रक्रिया में, कुछ बताया गया आपको? इस सरकार की मजबूरी है, सरकार की लापरवाही है, सॉरी मजबूरी नहीं लापरवाही है। 6 बार से एजी महोदय कोर्ट नहीं जा रहे हैं, इस वजह से इसमें देरी हो रही है। कैबिनेट मिनिस्टर सुबह बोलते हैं कि मेरी बात हुई है, एजी साहब जाएंगे कोर्ट, और 10 बजे जब कोर्ट खुलती है तो एजी साहब जाते ही नहीं है। मतलब इस सरकार में उनके मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, बात का कोई वैल्यू नहीं है कि उनकी बात का कोई वैल्यू हो। मैं सीधे सीधे ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे देखो मुंडे लोकतंत्र में कहा गया है कि सरों की संख्या गिनी जाती है, लेकिन अब यहाँ पर SCERT में जो धरना चल रहा है ये अनिश्चित काल तक चलेगा, और बस सरकार से सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा कि 90-97 जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वो उनकी मजबूरी है, वो किसी भी तरीके से उन्होंने 90-97 लगाया तो AG भेजना उनकी मजबूरी है। 6-6 बार लगातार इस बार हमारी यही मांगे हैं कि AG साहब कोर्ट में जरूर जाए, हमारी मांगे यही रहेगी कोर्ट में जरूर पहुंचे। 69,000 शिक्षक भर्ती में माननीय एजी महोदय का अबद्ध किया गया था, अगर एजी महोदय को अबद्ध नहीं किया गया होता तो किसी प्राइवेट वकील को अबद्ध किया जाता बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। 5 महीने का लोगों से नाराजगी दिखाई दे रही है, इनसे ये पूछिए कि इनका अब अगला कदम क्या हो गया, क्या इन्हें लगता है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से ध्यान जाएगा सरकार का इनकी ओर, और आगे की रणनीति इनकी क्या रहेगी, अगला कदम क्या होगा अब इसके बाद? अगर एजी के पास की बात नहीं है तो इस्तीफा रसीदी की बात। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, और क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? सर हमारा मांग यही है कि AG साहब को कोर्ट में भेजा जाए, और हमारी शिक्षा मंत्री के द्वारा, माननीय शिक्षा मंत्री जो आज यहाँ आ रहे हैं, वो आए हम लोगों के बीच में 69,000 परिवारों के साथ में, और हमें अरे प्रतिनिधि को बस सिर्फ और सिर्फ मेरी यही बात होगी, SCERT धरना तभी खत्म होगा जब तक मुख्यमंत्री से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता। बस जब तक मुख्यमंत्री लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक यार धरना नहीं हटेगा। क्या अगली रणनीति है आप लोगों की? हमारी रणनीति है कि शिक्षा मंत्री यहाँ पे आज 75 जिलों के BSO की मीटिंग लेने आ रहे हैं, आज वो यहाँ पे आए, पिछली बार उन्होंने पीछे ही मीटिंग की थी लेकिन चोरी से पीछे से भाग गए थे, अब की बार वो यहाँ आए हमारे प्रतिनिधि मंडल को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री सितंबर को कल सुनवाई होगी, हमारी यही मांग सरकार से है कल AG साहब आए और हम लोगों का पक्ष मजबूती से रखे। हमारी ये मांग है, अगर AG साहब की बस की बात नहीं है तो वो इस्तीफा दे दे, कोई दूसरा AG आएगा और वो अपने सरकार का पक्ष रखेगा। और इस अभी तक सारे अभ्यर्थियों के साथ में छलावा होता रहा है, 12,460 शिक्षकों की भर्ती बहुत लंबित है, 10,767 की एंटी ग्रेड की बहुत भर्ती लंबित है, सारी भर्तियां लंबित है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों से सरकार का खजाना भरा जा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है बिल्कुल भी। क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? हमारा अगला कदम आमरण अनशन होगा। 27 तारीख को हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद राज्य का मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री ये हम लोगों से कहता है कि कल AG आएंगे, अगर उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है तो आज हम लोग यहाँ से क्यों हट जाएं?
अगला कदम कुछ नहीं होगा, हम लोग यही मौजूद हैं, यही मौजूद रहेंगे जब तक सरकार मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात नहीं होती, मुख्यमंत्री जी आश्वस्त नहीं करते। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की बात हो रही है, साथ ही शिक्षा मंत्री इनसे मिलने के लिए आए हैं और एजी अपना पक्ष रखें कोर्ट में जाकर के, इनका यही कहना है तब तक ये धरना चलता है। इनकी कोई बातचीत किसी से हुई है मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर? चुकी मांग ये लोग यही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से अब सीधे मुलाकात हो चुकी, एजी तो पिछली कई सुनवाईयों से पेश नहीं हो रहे हैं कोर्ट में, अब मुख्यमंत्री से मांग की ये बात कर रहे हैं, क्या इस बाबत किसी से कोई बातचीत इन लोगों की हुई? बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करते हैं, अभ्यर्थी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, काफी परेशान है ये, क्या आप लोगों की बात किसी अधिकारी से हुई है, किसी मंत्री से हुई है? कोई बात नहीं, हमारी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है, 8 महीने से 8-9 डेटें लगातार हो चुकी है, जी साहब उपस्थित नहीं हो रहे, सरकार बिल्कुल हमारे साथ नहीं है, सरकार झूठ बोल रही है, सरकार कह रही है हम 90-97 बचा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं नहीं बचा रही है, अगर सरकार बचाती क्या किसी से बात हुई आप लोगों की? हमारा प्रतिनिधि मंडल शिक्षा मंत्री जी से मिला, हमारे शिक्षा मंत्री जी से न्यूज पे बात हुई, शिक्षा मंत्री जी अपने ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री ने हमारे प्रतिनिधिमंडल से कहा कि अजी साहब से मेरी बात हुई है, मैं आश्वासन दे रहा हूँ आप लोग धरना मत दीजिए। शिक्षा मंत्री आ जाएंगे आपसे मिलने, अब उनके ऊपर है, अगर नहीं आते, अगर 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 नहीं आते हैं और उनके हमें केवल मुख्यमंत्री से मिलना है, हमारी मांग केवल इतनी है कि हमारे प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री स्वयं मुलाकात करें और हमें सुनिश्चित करें कि एजी को 60-65 के सम्मान को बचाने जाएंगे। चलिए, यही योग्य सरकार आपकी मुलाकात। लोमस, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन अभ्यर्थियों से भी बातचीत करने के लिए। तो देखिए, नाराजगी खुद तस्वीरें बयां कर रही हैं, किस कदर इन अभ्यर्थियों की लगातार बढ़ती जा रही है, और अब मांग यही है कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और इन सभी लोगों की नाराजगी दूर करे। नहीं पहुंचे, आज मौका है आपके पास, आज यहाँ
यहाँ पे रात भर रुक के कल एक तरफ सुनवाई हो और दूसरी तरफ हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला छीनने आए। केवल दो लाइन है, लहर नहीं ललकार, अब की आर्य पार है।